हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जस्ट लाइक कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनॉल्स। तो फिनॉल्स में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर किया जाता है ये हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं कि बेंजोइक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर की जाती है। तो सबसे पहले तो भाई व्हाट इज बेंजोइक एसिड, तो ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। बेंजोइक एसिड इज की जहां पर बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग से लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ OH. It is a carboxylic acid, और इस acid को हम लोग बोलते हैं बेटा the benzoic acid, ठीक है? This is the benzoic acid. अच्छा, अब ये acid की तरह काम कर सकता है, ठीक है? और जब ये acid की तरह काम करेगा तो एक बार इसका conjugate base बना लेते हैं। तो conjugate base इसका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। यहां पर हमको ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो ये जब H+ लूज करेगा तो ये बनाएगा बेंजोएट अनायन। सो दिस विल बी द कॉन्जुगेट बेस और प्लस साथ में रिलीज कर देगा H+। तो लाइक एनी अदर कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस भी नेगेटिवली चार्ज है। भाई H+ निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये कॉन्जुगेट बेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर होंगे, है ना, जिनका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होंगे वो सब क्या करेंगे, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उससे CB की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, ऐसा हम लोग जानते हैं, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर ऐसा है तो एसिड का स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ जाएगा, द एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। तो यहां पे हमेशा की तरह जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा जी, अच्छा फिर अगर मान लो आप बेटा कि ERG लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, तो कॉन्जुगेट बेस पे पहले से नेगेटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, वो अपना और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप कर रहे हैं, भेज रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पहले से है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस विल डिक्रीज, एंड जैसे जैसे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम होगी तो वहां पर एसिड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ रफ आइडिया हो गया जिसके बारे में हमें पहले से काफी जानकारी है, ठीक है। तो ये सब बातें समझाने वाली नहीं है, ये सब आप पहले से जानते हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस टेक इलस्ट्रेशन नंबर वन, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर वन में हमें कुछ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स दिए हुए, बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो COOH शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दे रहा हूं, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, और पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है एक बार CH3, फिर एक बार लगा है CD3 और फिर एक बार लगा है CT3, ठीक है। आपको कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या है, तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, एक में पैरा पर CH3 है, एक में CD3 है, एक में CT3 है। चलो बताओ इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। चलो भाई, तो पैरा पोजीशन से कौन सा इफेक्ट लगेगा, पैरा पोजीशन से इफेक्ट लगेगा प्लस H, ठीक है। और प्लस H अगर लगेगा तो CH3 का प्लस H सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो वीकेस्ट बॉन्ड होता है, उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और इसका प्लस H सबसे मिनिमम होगा, ठीक है। तो प्लस एच अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा है पैरा पोजीशन से, और ऐसी परिस्थिति में एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी CT3 की, फिर उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ होगी जब CD3 लगा हुआ है, और फिर इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ होगी जब CH3 लगा हुआ है, ठीक है। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। लेट्स प्रैक्टिस सम मोर एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नंबर टू देखते हैं, आइए। एग्जाम्पल नंबर टू में हमें दो बेंजोइक एसिड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेंजीन रिंग
और एक बार लेट से पैरा पर CH3 लगा है और दूसरी बार एक और बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, उसी का डेरिवेटिव है. दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड, जैसे हमने डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल देखा था. और बेटा मेटा पर CH3 लगा हुआ है, तो चलो आप बताओ इन दोनों में विच इज द स्ट्रॉन्गर एसिड. तो फटाफट से इफेक्ट सोचो जल्दी जल्दी. पैरा पर CH3, इतना हम लोग डिटेल में रेजोनेंस पढ़े हैं खूब अच्छे से ताकि हमको ये सब बातें फटाफट समझ में आए. पैरा पर CH3 इफेक्ट होगा प्लस एच, प्लस आई भी होगा बट द डोमिनेटिंग इफेक्ट विल बी प्लस एच. ठीक है, मेटा पर CH3, तो यहां से तो रेजोनेंस इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग पाएगा, तो यहां से तो सिर्फ एक ही इफेक्ट लग रहा है और उस इफेक्ट का नाम हम सब जानते हैं प्लस आई होता है. ओके, तो अब आप बताओ कि यहां पर प्लस एच लग रहा है और यहां पर प्लस आई लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है दोनों जगह पर, लेकिन प्लस आई रिलेटिवली कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, वीकर इफेक्ट है. ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को ये भी कम करेगा और ये भी कम करेगा, लेकिन ये प्लस एच ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा कम कर देगा, यानी कि सेकेंड वाला विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फर्स्ट वाला. मेटा की एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा वाले से ज्यादा होगी. ठीक है, चलो वेरी गुड. कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, लेट्स प्रैक्टिस सम मोर इलस्ट्रेशंस. तो एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर हम बढ़ चले अब. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है. एग्जाम्पल नंबर 3 में हमको 3 बेंजोइक एसिड्स दिए हुए हैं, मतलब डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं. बेंजोइक एसिड है और पैरा पोजीशन पर वी हैव CH3. ठीक है, एक और दूसरा बेंजोइक एसिड दिया है जिसमें पैरा पोजीशन पर वी हैव NO2. ठीक है, और एक और तीसरा बेंजोइक एसिड दिया है जिसमें पैरा पोजीशन पर वी हैव OH. ठीक है, तो दीज आर द 3 बेंजोइक एसिड्स एंड यू हैव टू कंपेयर देयर एसिडिक स्ट्रेंथ. चलो सोचो फटाफट से क्या हो जाएगा. पैरा पोजीशन पर हैं सारे ग्रुप्स, तो जहां जहां पर भी रेजोनेंस अगर हो सकता है तो वो होगा. ठीक है, तो CH3 ग्रुप पैरा पोजीशन से लगाएगा बच्चों प्लस एच इफेक्ट. NO2 पैरा पोजीशन से लगाएगा माइनस एम, बहुत जबरदस्त माइनस एम. और ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, पैरा पोजीशन से ये इफेक्ट लगाएगा प्लस एम. तो माइनस एम जहां लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाली चीजें हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देती हैं. तो भैया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो ये वाला हो गया. अच्छा, यहां भी रिलीजिंग है और यहां भी रिलीजिंग है, लेकिन यहां पे प्लस एच से रिलीजिंग है और यहां पे प्लस एम से रिलीजिंग है. प्लस एम एक ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, तो ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है तो सबसे वीकेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें आएगी, सबसे कम कर देगा ये. ठीक है, तो वीकेस्ट एसिड होगा ये और सेकेंड नंबर पे आएगा ये. ठीक है, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. एक इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं हम लोग जल्दी से. लेट्स गो टू एग्जाम्पल नंबर नॉट 3 सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं. ठीक है, सो एग्जाम्पल 4 इज कि हमारे पास बेंजीन रिंग है और कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड है, COH लगा है और यहां पर पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है C(NN). ठीक है, दिस इज CN ग्रुप. थोड़ी सी जगह कम हो गई है बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा. दिस इज C(NN), राइट. और एक और दूसरा बेंजोइक एसिड है हमारे पास और इस बेंजोइक एसिड में मेटा पोजीशन पर लगा है C(NN). आपको बताना है कि इन दोनों में किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है. चलो बहुत फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे. ठीक है, मेटा पोजीशन पर, सॉरी पैरा पोजीशन पर CN, तो पैरा पोजीशन पर CN का इफेक्ट क्या होगा? माइनस एम. CN इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप. ठीक है, पैरा पे और मेटा पे है CN, तो अब माइनस एम तो नहीं लगेगा, लगेगा सिर्फ माइनस आई. तो यहां पर माइनस एम एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, लेकिन ये ज्यादा बढ़ाएगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है माइनस एम से. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास बेंजोइक एसिड है और
बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर OCH3 लगा है और एक और बेंजोइक एसिड है और उसका डेरिवेटिव दिया है मेटा पोजीशन पर OCH3। ठीक है, तो OCH3 में ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर इफेक्ट, जो पैरा से लगेगा दैट विल बी प्लस M, और यहां पर लोन पेयर है बट मेटा पर है तो सिग्मा वाला इफेक्ट ऑपरेट करेगा और सिग्मा वाला इफेक्ट ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इफेक्ट होगा -3। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो प्लस एम ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा और माइनस आई ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, सो दिस विल बी मोर एसिडिक। ठीक है, अब अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए हैं इन सभी एग्जाम्पल्स में आप एक यूनिक पैटर्न नोटिस करो कि मैंने कभी भी ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप नहीं लगाया है। ठीक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट मैंने नहीं लगाया, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3, 4 या 5, कोई भी आप क्वेश्चन लो, इसमें किसी भी सिचुएशन में आपको ऑर्थो वाली पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब यही जो है वो यूनिक चीज हमको बेंजोइक एसिड के केस में पढ़नी है कि ऑर्थो पर अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो यहां पर एक नया काम होता है। एंड वो नया काम क्या है, ये तो इंपॉर्टेंट ही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखना कि ये जो लॉजिक पढ़ने जा रहे हो ये सिर्फ बेंजोइक एसिड में लगाना है, फिनॉल में और सल्फोनिक एसिड में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक खास चीज हम लोग यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, उस खास चीज का नाम है ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ओनली। ऑर्थो इफेक्ट क्या है ये तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है ध्यान रखना कि ऑर्थो इफेक्ट कहां पर लागू होता है। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट जो भी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, बट हम ऑर्थो इफेक्ट केवल और केवल लगाएंगे ओ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, और कहीं नहीं, इसके अलावा और कहीं नहीं, फिनॉल विनॉल में सल्फोनिक एसिड में नहीं लगेगा। कहां लगेगा? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में लगेगा। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट इज बेसिकली द स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसको हम लोग SIR भी बोलते हैं। तो ऑर्थो इफेक्ट इज बेसिकली स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ऑल्सो नोन एज SIR, जिसके बारे में एक ब्रीफ चर्चा हमने अभी पहले करी हुई है एक वीडियो में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ऑर्थो इफेक्ट डिस्कस करते हैं, क्या होता है ओ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से। अब ऑर्थो इफेक्ट पहले तो ये है कि अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ओ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, ओ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, तो वो ज्यादा एसिडिक होता है, इज मोर एसिडिक देन इट्स मेटा एंड पैरा काउंटर पार्ट्स। ठीक है, उसके जो मेटा और पैरा वाले भाई बंधु पड़ोसी काउंटर पार्ट्स हैं उनसे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाला बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। तो बेंजोइक एसिड का क्वेश्चन जब भी लगा रहे हो और उसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाला बेंजोइक एसिड आ जाए तो ऑर्थो वाले को तो सबसे ऊपर रख दिया जाता है आंख बंद करके। अभी ऐसा क्यों होता है मैं समझाता हूं, बट पहले करना क्या है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है ये समझ लो, है ना। तो जब भी बेंजोइक एसिड का क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि अभी तक के क्वेश्चंस में कहीं पर भी मैंने ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया, ठीक है, तो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन बेंजोइक एसिड, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है उसमें अलग अलग पोजिशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो सबसे पहले तो जो ऑर्थो वाला है उसको उठा के तुम आगे चिपका दो नंबर वन पे, ठीक, और बाकी पैरा में और मेटा में अब कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा ये सारी चीजें तुम डिसाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट।
ये है ऑर्थो रिपोर्ट, है ना, काम ये करना है। पहले काम क्या करना है ये समझते हैं, है ना, बाकी क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आने वाला है कि ऑर्थो इफेक्ट के बारे में 100 शब्दों में अपने विचार प्रकट करिए, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है। बट मैं आपको समझाऊंगा क्या है, ऑब्वियसली बिना एक्सप्लेनेशन के आगे नहीं बढ़ेंगे, बट ज्यादा जरूरी पहले क्या करना होगा उसको रट्टा मार लो। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो भी है, प्लस एम माइनस आई प्लस एच, ये सब तुम पैरा और मेटा में खेल मचाते रहो और उसके बेसिस पे डिसाइड करते रहो, वो तुमने पहले अभी करना सीखा है। लेकिन जो ऑर्थो वाला है उसमें बिना कोई इफेक्ट के बारे में सोचे हुए, कोई इफेक्ट विफेक्ट ऑर्थो में नहीं सोचना है, बिना किसी इफेक्ट के बारे में सोचे हुए ऑर्थो वाले को सबसे ऊपर लगा दो। लेकिन ऐसा कहां करना है, सिर्फ बेंजोइक एसिड, या ऐसे बोलूं तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में ही ऐसा करना होता है, और इसी को हम लोग ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो अब क्यों है ऐसा भाई, नेचुरली एक क्वेश्चन तो मन में आता ही है, सर ऐसा क्यों हो गया कि ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया एज कंपेयर टू मेटा एंड पैरा। ऑर्थो वाले में कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं चलता है, ठीक है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आंख बंद करके सबसे ऊपर टिका दो, ठीक है, तो ऐसा क्यों है चलो आओ समझ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ले लेता हूं, ठीक है, तो ये हो गया एक बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग से लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और यहां पर लगा हुआ है सी एच थ्री, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो बेंजोइक एसिड है सी ओ ओ एच ग्रुप, ये बेटा एक बल्की ग्रुप है, ठीक है, और बल्की होने के कारण इसके ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो उसकी वजह से ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, ठीक है, रोटेट कर जाता है, जैसे NO2 रोटेट करता था वैसे ही ये भी रोटेट कर जाता है, और इसी को हम लोग SIR बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक, तो COOH, फिर से एक बार सुनिए, COOH एक बल्की ग्रुप है और कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, और बल्की होने के कारण अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल मिथाइल कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आया, तो इस मिथाइल और COOH के बीच में चाहो तो मिथाइल को और एक्सपैंड करके HH करके बना लो, तो बल्की होने के कारण इनके बीच में रिपल्शन होंगे। फिनॉल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि फिनॉल में यहाँ OH था, OH एक छोटा ग्रुप है, वो बल्की ग्रुप नहीं है, है ना, और उसमें से H+ जब निकल जाएगा तब तो वो O- बन जाएगा, एक एटम है खाली, बस पॉइंट है, ठीक है। तो अब क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड COH में ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, तो दिस इज अ बल्की ग्रुप, और इसके ऑर्थो पोजिशन पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ होगा तो वो इससे कॉज करेगा SIR, और इस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, या इसको वो रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये COOH रोटेट कर जाएगा। ठीक, अब रोटेट करके क्या होगा कि ये बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में हो जाएगा नॉन प्लेनर। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका बना लेते हैं कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं जरा, ठीक है, और सी डबल बॉन्ड ओ और O माइनस। अब आपको इस तरह से सोचना है कि जब ये रोटेट कर गया तो ये बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं रह गया, मतलब ये वाला ऑक्सीजन जो है ये सामने तुम्हारी तरफ निकल के आ रहा है और ये वाला ऑक्सीजन तुमसे पीछे की तरफ जा रहा है, और ये बेंजीन रिंग पेपर के प्लेन में है और ऑब्वियसली यहां पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो CH3 की वजह से क्या हुआ कि ये पेपर के प्लेन में रोटेट कर गया, अब ये ऑक्सीजन आगे की तरफ आ रहा है और ये O- पीछे की तरफ जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इस कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है, कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो बोलोगे सर कैसे, ये कैसे स्टेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी, रेजोनेंस खत्म हो गया, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस अब नहीं कर पा रहा है और स्टेबिलिटी बढ़ रही है। जी हाँ बेटा, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कैसे, देखो स्टेबिलिटी ऐसे बढ़ रही है कि अगर ये मान लो आउट ऑफ द प्लेन नहीं गया होता, बहुत ध्यान से समझो इसे, है ना, अगर कोई ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो ये आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाता, और आउट ऑफ द प्लेन अगर नहीं जाता तो ये बेंजीन रिंग वाले प्लेन में ही रहता, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या होता कि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है,
सी डबल बॉन्ड ओ पे फोकस करो, ये तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस वाली साइट है जहां पे नेगेटिव चार्ज आया। तो ये सी डबल बॉन्ड ओ बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस कर सकता और इस ओ माइनस के साथ भी रेजोनेंस कर सकता, क्योंकि ये प्लेनर होता है ना, ये सी ओ ओ बेंजीन रिंग ये सब एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो ये सी डबल बॉन्ड ओ मान लो पाई सिग्मा पाई वाला रेजोनेंस है, इस पाई को इधर ले जाते और इस पाई को इधर खिसकाते, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करता, ठीक है। और जब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में उलझ जाता तो इस ओ माइनस के साथ रेजोनेंस रिस्ट्रिक्ट हो जाता। लेकिन अगर तुमने ऑर्थो पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया, उस सब्स्टिट्यूएंट ने इसको धक्का मारा और ये ट्विस्ट हो गया, रोटेट कर गया, ठीक है, तो अब बेंजीन रिंग के साथ इसका रेजोनेंस कॉन्टैक्ट खत्म हो गया और अब ये सी डबल बॉन्ड ओ जो कि तुम्हारी तरफ निकल के आ रहा है और ये ओ माइनस जो कि तुमसे पीछे जा रहा है, अब ये आपस में ही सिर्फ रेजोनेंस कर रहे हैं। समझ पा रहे हो बात को? इनके बीच में रेजोनेंस हो सकता है, इनके बीच में रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन इनका बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस खत्म हो गया क्योंकि वो घूम गया, ठीक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट आने की वजह से वो ट्विस्ट हो गया। तो अब क्या होगा कि ये सी डबल बॉन्ड ओ सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेगा कि ये पाई इधर खिसकेगा और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, मतलब इनका सिर्फ आपस का रेजोनेंस चालू होगा जिससे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये सी डबल बॉन्ड ओ बेंजीन के साथ रेजोनेंस इसकी खत्म हो गई, सिर्फ ओ माइनस के साथ रेजोनेंस कर रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ाने में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इस ओ माइनस कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो ये होता है ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड कि जब भी ऑर्थो पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो आंख बंद करके उसको पहले टिकाओ और बाकी सबको अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से सोचते रहो, ये करना होता है बेंजोइक एसिड की ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। और आइए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। हो सकता है तुम्हारे मन में आ रहा हो सर क्या ये चीज हर सब्स्टिट्यूएंट के लिए वैलिड है, तो एक आध जगह पे एक्सेप्शन होता है मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब रट्टा मत मारो। तुम तो बस ये सोच के ये मान के क्वेश्चन करना कि ऑर्थो वाले को सर मैं पहले टिका दूंगा, बाकी सब मैं अपना सोचता रहूंगा, ठीक है। चलो आओ तो वेरी क्विकली लेट्स प्रैक्टिस सम इलस्ट्रेशंस बेस्ड अपॉन दिस, ठीक है। अब मैं ऑर्थो पे भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगाऊंगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन नंबर वन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं। बेंजोइक एसिड है, ठीक है, और COOH दिस इज बेंजोइक एसिड और CH3 ग्रुप लगा हुआ है। शॉर्ट फॉर्म में मैं क्वेश्चन को लिखने जा रहा हूं। CH3 ग्रुप लगा है एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा, ठीक है। आप पूरा क्वेश्चन चाहो तो अपनी कॉपी बना लेना, एक स्ट्रक्चर बनाना ऑर्थो पे लगा के, एक मेटा पे बना के, एक पैरा पे लगा। चलो इसमें बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या लगता है भाई, क्या हो जाएगा। तो ऑर्थो वाला जो होगा उसको तो आंख बंद करके मैं सबसे आके डाल दूंगा, उसमें तो मैं सोचूंगा ही नहीं, है ना, मोस्ट एसिडिक ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अच्छा जी, अब पैरा वाला जो होगा उस पे लगेगा प्लस एच और मेटा वाला जो होगा उस पे लगेगा प्लस आई, तो ऑब्वियसली प्लस एच एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा घटा देगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ओ ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन पी, ऑर्थो में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में मेरे पास बेंजोइक एसिड है, ठीक है, और चलिए एक बार तीनों स्ट्रक्चर बना देते हैं, और ऑर्थो पर लगा है CCl3 और एक और दूसरा बेंजोइक एसिड है, ठीक है, बेंजोइक एसिड, मेटा पर लगा है CCl3 और एक और तीसरा बेंजोइक एसिड है जिसमें पैरा पर लगा है CCl3। चलो फटाफट से बताओ इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाए, ठीक है। चलो बच्चों कैसे सोचोगे, ये तो ओ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है तो इसमें तो चलेगा ऑर्थो इफेक्ट नंबर वन। ये यहां पर मेटा से चलेगा CCl3 का कौन सा इफेक्ट चलेगा बोलो, CCl3 का चलेगा मेटा से माइनस आई, ठीक है, और CCl3 का पैरा से कौन सा चलेगा बोलो, पैरा से चलेगा माइनस एच, माइनस एच इज द मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट, रिवर्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, समझ रहे हो। तो माइनस एच को एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ाएगा, तो नंबर दो पे ये हो गया और नंबर तीन पे ये हो गया माइनस आई,
और ये तो नंबर वन रहेगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है. क्यों? बिकॉज ऑर्थो इफेक्ट. ऑर्थो इफेक्ट को और क्या बोलते हैं? SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. आइए इसी खुशी में आगे बढ़ते हैं. बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं सारी बातें. क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर. क्वेश्चन नंबर थ्री है कि मेरे पास एक बेंजोइक एसिड है जिसमें ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल लगा है, ठीक है. एक और बेंजोइक एसिड है जिसमें ऑर्थो पोजीशन पर इथाइल लगा है, और एक और बेंजोइक एसिड है जिसमें ऑर्थो पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल लगा है, ठीक. ये तीन बेंजोइक एसिड दिए हुए हैं और तीनों ही ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, तीनों में ही ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है. तो अब कैसे सोचें कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? व्हाट शुड बी अवर कॉन्सेप्ट ओवर हियर? तो तीनों में ही अगर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तो ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा कहां है? ऑर्थो इफेक्ट का ऑर्डर कैसे सोचोगे? ऑर्थो इफेक्ट भाई किस वजह से होता था? बल्की ग्रुप्स की वजह से. तो COOH वाला ग्रुप तो तीनों जगह पर सेम है. डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है जो एल्काइल ग्रुप लगा है. एल्काइल ग्रुप यहाँ है सबसे छोटा मिथाइल, यहाँ पर है इथाइल उससे बड़ा, और यहाँ पर तो आइसोप्रोपाइल है तीनों में सबसे बड़ा. तो जितना बल्की ये ग्रुप होगा उतना ज्यादा SIR होगा, उतना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट होगा. और ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है? ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है. तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये और फिर उसके बाद, ठीक है. आइए एक क्वेश्चन और करते हैं. क्वेश्चन नंबर चार. क्वेश्चन नंबर चार में हमें कुछ बेंजोइक एसिड्स दिए हुए हैं, COOH, ठीक है. और यहां पर मिथाइल, यहां पर मिथाइल, यहां पर लगा है NO2, और फिर एक बेंजोइक एसिड और दिया है COOH, यहां पर मिथाइल, यहां पर मिथाइल, और यहां लगा है C BBN, ठीक है. एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है. तो बच्चों ऐसा एक क्वेश्चन हमने अभी इससे पहले वाले वीडियो में जब फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे थे वहां भी सेम टाइप का एक क्वेश्चन एक आया था, ठीक है. देखो ये जो NO2 है ये इस वाले ग्रुप और इस वाले ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर होने की वजह से ये sp2 प्लेनर है तो रोटेट कर जाएगा. तो रोटेट कर जाएगा तो इसका -M कॉन्टैक्ट SIR की वजह से खत्म हो जाएगा. ये पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है. और ये जो है ये क्या है? ये तो लीनियर है, ठीक है, सिलिंड्रिकल है, ये एक लाइन में है. तो ये रोटेट भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे -M इफेक्ट लगेगा, ठीक है. यहाँ पे SIR आप नहीं कंसिडर करोगे भाई. जो चीज प्लेनर होगी उसके रोटेट करने से फर्क पड़ेगा ना. जो चीज एक लाइन में है उसके रोटेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. तो इसका -M लगता रहेगा, इसका -M नहीं लगेगा. तो दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है. एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बेंजोइक एसिड पे, फिर कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स लेंगे. जैसे लेट्स से कि हम लोगों को एक एसिड दिया हुआ है जिसमें लगा है COOH और यहां पर लगा है SO3H, ठीक है. और एक एसिड दिया हुआ है जिसमें लगा है यहां पर CH3 और यहां पर COOH. चलो बताओ भाई इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? ये क्वेश्चन ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है बेसिकली. यहां पे जो एसिडिक साइट है वो सल्फोनिक एसिड है. रिमेंबर वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि वहां पे ज्यादा इक्विवेलेंट RS बनते हैं. यहां पे आप स्ट्रक्चर बना के मैंने दिखाया भी था पहले वाले वीडियो में इससे पहले कि तीन इक्विवेलेंट RS बनते हैं, यहां पे दो इक्विवेलेंट RS बनते हैं. तो यहां पे एसिडिक साइट सल्फोनिक एसिड है और यहाँ पे एसिडिक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड है. इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है. सल्फोनिक एसिड अनडाउटेडली ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है. तो ये क्वेश्चन जो है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दिए जाते हैं. तो हमको ध्यान रखना है कि एसिडिक साइट ही यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है. तो दैट कंप्लीट्स कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन कार्बोक्सिलिक एसिड. अब हम लोग कुछ और ऐसी मिक्स्ड मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं. तो आइए एक एक करके उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखिए हम लोग कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स करते हैं हर टाइप के. अब हमने पढ़ लिया फेनॉल्स के लिए भी और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, ठीक है.
तो फर्स्ट प्रॉब्लम, हमें फिनॉल दिया हुआ है, एक बार ऑर्थो पर लगा हुआ है क्लोरीन, एक बार मेटा पर लगा हुआ है क्लोरीन और एक बार पैरा पर लगा हुआ है क्लोरीन। ठीक है, सबसे पहले तो ये फिनॉल है, और यदि ये फिनॉल है तो यहाँ पर आपको ऑर्थो इफेक्ट इफेक्ट जैसी बकवास नहीं करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड के लिए है। ठीक है, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि ऑर्थो इफेक्ट को जो है बच्चे बहुत ज्यादा दिल से लगा लेते हैं ना, इमोशनली अटैच हो जाते हैं उससे। ठीक है, तो साइंस में इमोशनल अटैचमेंट का कोई स्कोप नहीं है बेसिकली। तो फिनॉल में देखो क्यों नहीं होगा ऑर्थो इफेक्ट यार। भाई फिनॉल आप ऐसे समझो कि जब उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट बेस जब बनेगा तो दैट कॉन्जुगेट बेस विल बी ओ माइनस। ठीक है, ओ माइनस दिस विल बी द कॉन्जुगेट बेस, समझ रहे हैं आप बात को? तो ये ओ माइनस एक एटम है, एक पॉइंट है बेसिकली। अब इस पॉइंट के रोटेट करने से क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ? एक पॉइंट को तुम स्पेस में अगर रोटेट करा रहे हो तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए फिनॉल में ऑर्थो इफेक्ट की कोई चर्चा नहीं होगी। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सो नो ऑर्थो इफेक्ट, है ना, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस है वो सिर्फ एक एटम ही तो है, वो माइनस है, एक पॉइंट है बस, उसके रोटेशन से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं। यहाँ पे आइए, तो यहाँ पर ऑर्थो पर क्लोरीन लगा है, यहाँ पे मेटा पर, यहाँ पैरा पर। ठीक है, तो क्लोरीन के लिए डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या होता है? माइनस आई। ठीक है, जब भी हैलोजन्स आ जाए, है ना, हैलोजन हो और सेम हैलोजन हो तो वहां पर माइनस आई से सोचा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम हैलोजन के लिए, जैसे यहाँ पे तीनों में क्लोरीन है। ठीक है, अब तुम बोलो सर ये प्लस एम लगा रहा है, ये भी प्लस एम लगा रहा है, ठीक है, लेकिन डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है? हैलोजन के लिए डोमिनेटिंग इफेक्ट इज माइनस आई, तो सिर्फ माइनस आई से आप सोचो, तो इसका माइनस आई, इसका भी माइनस आई और इसका भी माइनस आई। ठीक है, लिख लो यहां पे कि बेंजीन रिंग हो, ठीक है, बेंजीन रिंग में कभी भी कैसा भी क्वेश्चन कर रहे हो, सेम हैलोजन मतलब हर जगह या तो क्लोरीन है, हर जगह या तो ब्रोमीन है। ठीक है, तो हमेशा वहां पर माइनस आई इफेक्ट से अपना आंसर दो। ठीक है, और ये कोई याद करने वाली बात थोड़ी ना है, ये बहुत ही लॉजिकल सी बात है। भाई डोमिनेटिंग इफेक्ट हैलोजन के लिए माइनस आई है, तो मैं माइनस आई से आंसर अपना सोच रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या है कि ऑर्थो वाला जो माइनस आई है वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो क्लोजेस्ट है। ठीक है, मेटा वाला में डिस्टेंस बढ़ गया तो माइनस आई कुछ कम हो जाएगा, और पैरा वाला तो सबसे ज्यादा दूरी पर है तो माइनस आई वीकेस्ट होगा। तो जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा नंबर वन ये, नंबर टू ये, नंबर थ्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो भी वैसा ही है, सेम हैलोजन है, हम लोग किसके बेसिस पे सोचेंगे? माइनस आई के बेसिस पे सोचेंगे, तो इसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड फॉलोड बाय दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री इज एन इंटरेस्टिंग एंड एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक, यहां पर कैसे सोचा जाए इसको जरा मैं आपको ले चलता हूं अगली स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर थ्री में जरा एक बार कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, यहां पर है ओ माइनस, ऑक्सीजन का थोड़ा अच्छे से बनाते हैं सब लोन पेयर वगैरह लगाकर। ठीक है, और यहां पर पैरा पोजीशन पर फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस, और दूसरे वाले का कॉन्जुगेट बेस यदि बनाओ तो दूसरे का कॉन्जुगेट बेस बनेगा ओ माइनस। ठीक है, और यहां पर लगा हुआ है क्लोरीन। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर फ्लोरीन जो है वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई, डोमिनेटिंग इफेक्ट माइनस आई होता है हैलोजन के लिए, और क्लोरीन भी कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई, हैलोजन के लिए डोमिनेटिंग इफेक्ट माइनस आई होता है। माइनस आई किसका ज्यादा है? आप तो बोल दोगे सर क्लोरीन का ज्यादा है, और सही बात है क्लोरीन का ही ज्यादा है, मतलब आप क्या बोलोगे? तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए? अभी लग रहा है इसका होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने इतना डिटेल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो सोच के बनाया होगा। देखो, क्लोरीन के सामने जब कार्बन आयन आ जाता है, केस सिक्स ऑफ रेजोनेंस याद करो, है ना, क्लोरीन जो है अगर वो कार्बो कटायन से वेकेंट ऑर्बिटल वाले से अटैच्ड है, ठीक है, अगर क्लोरीन कार्बो कटायन वेकेंट ऑर्बिटल वाले से अरेंज्ड है
तो ऐसे केस में जो इफेक्ट लगाता है वो प्लस एम इफेक्ट लगाता है, ठीक है, ये बात तुम्हें मालूम है भाई, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है। लेकिन यदि क्लोरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी एक बार बता चुका हूं वैसे, ठीक है, यदि क्लोरीन, थोड़ा सा इसको एक बार अच्छे से बनाते हैं फिर से, तो यदि क्लोरीन मान लीजिए CH2 कार्बनायन के सामने आ जाए, नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन के सामने, तो ऐसे केस में उसका इफेक्ट एक तरह से सोचा जाए तो माइनस एम हो जाता है ड्यू टू डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, केस 6 ऑफ रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। क्लोरीन के पास वेकेंट डी है, CH2 डबल बॉन्ड Cl, ठीक है, और क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस वेकेंट डी में, ठीक है। और ये काम जो है वो फ्लोरीन नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन वेकेंट डी की वजह से ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन अगर यहां फ्लोरीन रख के सोचोगे तो फ्लोरीन ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल में जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे ओ माइनस से तुम रेजोनेंस कराना स्टार्ट करो, ठीक है, तो इस लोन पेयर को तुम पाई में डालोगे और इस पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट करोगे, तो यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करोगे, इस पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट करोगे और ये वाला जो लोन पेयर है, ये वाला जो लोन पेयर है, इसको पाई में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के सोच सकते हो, ऑर्थो एक बार बना ही देता हूं चलो मैं, ठीक है, ताकि और बढ़िया से तुम्हें समझ में आ जाए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो लेट्स से यहां पर क्या फायदा मिलेगा वेकेंट डी का, ये तुम्हें समझना है। तो यहां पर है ओ माइनस और यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट, ठीक है। तो चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, तो एक लोन पेयर पाई में गया, ये पाई लोन पेयर में, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाई, ये पाई, यहां पर आ गया लोन पेयर और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर अभी हैं, ठीक है, और क्लोरीन तो यहाँ पे लगा ही हुआ है। अच्छा, फिर अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये पाई लोन पेयर में जाएगा और ये लोन पेयर पाई में जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोच लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर आ जाएगा क्लोरीन और यहां पर लोन पेयर, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब पहला वाला जो स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी बट हाँ कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। पहला वाला जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में यहां पर फ्लोरीन है और दूसरे स्ट्रक्चर में यहां पर क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। मतलब पहला वाला, मतलब ये पहला वाला स्ट्रक्चर इधर, जो दो क्वेश्चन मैंने दिए थे ना तुम्हें, ठीक है, एक एक में क्या है, यहाँ फ्लोरीन है और दूसरे में क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। तो अब दोनों में रेजोनेंस इस तरह से होगा, तो फ्लोरीन के सामने जब लोन पेयर आएगा तो वो उसका डीलोकलाइजेशन नहीं करवा पाएगा, ठीक है। लेकिन क्लोरीन वेकेंट डी होने के कारण इस लोन पेयर के साथ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर सकता है, या एक तरह से सोचो तो माइनस एम इफेक्ट लगा सकता है। तो यहाँ पे क्लोरीन लगा रहा है माइनस एम, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बेहतर वर्ड होगा, ठीक है। इफेक्ट तो प्लस एम ही बोले हम क्लोरीन का, क्योंकि लोन पेयर है, बट वेकेंट डी की वजह से डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है और इसलिए ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन एक बार बहुत पहले जेई में पूछा गया है और फिर से रिपीट हो जाए आने वाले सालों में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, आइए चलिए। तो लास्ट क्वेश्चन एक हम लोग और करने जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पर, अगला क्वेश्चन नंबर जो भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि हम लोगों को दिया हुआ है सल्फोनिक एसिड, दिया हुआ है S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, और यहां पर लगा है CH3, और दूसरा हमें दिया हुआ है S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, और यहां पर लगा है CH3, ठीक है। इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर है
औरतों पर है तो इफेक्ट कौन सा लगेगा, प्लस एच और प्लस आई, और ये पैरा पोजिशन पर है इफेक्ट कौन सा लगेगा, प्लस एच और प्लस आई। अब प्लस एच तो दोनों जगह से सेम होगा, लेकिन प्लस आई ऑर्थो से ज्यादा होगा, और प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे बोलते हैं सर ऑर्थो इफेक्ट, तो बच्चों मैंने तुम्हें बार बार बोला है कि ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ बेंजोइक एसिड में लगाना है, ये बेंजोइक एसिड नहीं है, ये सल्फोनिक एसिड है। अब तुम अगर लॉजिकली सोचना चाहते हो सर ऑर्थो इफेक्ट क्यों नहीं लग रहा, ये तो पहले से बल्कि, ये भी तो बल्कि है, अगर COH को आपने बल्कि बोला था तो ये भी तो बल्कि है, तो यहां भी तो ऑर्थो इफेक्ट लगना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये सल्फर प्लेनर नहीं है, ये सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ध्यान से देखो, और कार्बोनेट वाला जो था वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड था। तो जो चीज प्लेनर है, ठीक है, जो चीज प्लेनर है वो रोटेट करके सामने की तरफ और आगे की तरफ आ सकती है ना, वो आउट ऑफ द प्लेन जा सकती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, जो चीज प्लेनर होगी, जैसे कार्बोनेट sp2 ट्राइगोनल प्लेनर था, CO मतलब जो C डबल बॉन्ड O माइनस कार्बोक्सिलेट अनायन, तो वो प्लेनर था, तो वो जब रोटेट किया तो एक चीज आगे की तरफ आ गई और एक चीज पीछे की तरफ आ गई, ठीक है। लेकिन ये तो sp3 है, ये पहले से प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर तो है ही नहीं, तो अगर ये प्लेनर नहीं है तो फिर इसके रोटेट करने से क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये प्लेनर है ही नहीं ये वाली चीज, तो अगर प्लेनर नहीं है तो रोटेट कर भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए फाइनली मुद्दे की बात ये है कि ऑर्थो इफेक्ट हम लोगों को कंसीडर करना होता है ओनली इन द स्पेशल केस ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, एंड दैट कंप्लीट्स अवर टॉपिक ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। दो वीडियोस में हमने इसको बहुत डिटेल में एनालाइज किया है, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बेस, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अभी तक कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड हैव अ नाइस टाइम।